students, how are you to all? I hope all of you feel good. Students, today I am going to teach you chapter number 4 of our social science book, and the name of the chapter number 4 is the Western Desert. The Western Desert means हमारे इंडिया के वेस्टर्न साइड में जो डेजर्ट है, दैट वी विल लर्न टुडे इन दिस वीडियो. ओके, लेट अस रीड. द लैंड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स, हमारे इंडिया के वेस्ट में अरावली पर्वत है. इट इज इन द राजस्थान, राजस्थान में. इट इज रॉकी एंड सैंडी. कैसा पर्वत है वो? अरावली इज अ रॉकी एंड सैंडी, पथरीला और सैंडी. सैंडी मतलब रेतीला. The land of the west of the Aravali hills. Aravali hills या हमारे इंडिया के वेस्ट में जो अरावली हिल है, it is in Rajasthan, Rajasthan में. It is rocky and sandy. ये जो अरावली हिल है, ये कैसा है? Rocky, पथरीला and sandy. Sandy मतलब रेतीला. This is the great Indian desert. और इसी को हम बोलते हैं the great Indian desert. The great Indian desert मतलब महान इंडियन डेजर्ट रेगिस्तान. एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट. ग्रेट इंडियन डेजर्ट को ही हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं. इट स्ट्रेच फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात थ्रू राजस्थान टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. दैट मीन्स ये जो राजस्थान का डेजर्ट फैला हुआ है, थार डेजर्ट फैला हुआ है, इट स्क्रेच्ड फ्रॉम, ये स्क्रेच्ड होता है कहां से शुरू होता है? रन ऑफ कंच. इट इज इन गुजरात. दैट मीन्स रन ऑफ कंच जो गुजरात में, वहां से शुरू होता है और राजस्थान टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा, राजस्थान की बॉर्डर पे पहुंच जाता है हरियाणा तक. दैट मीन्स थार डेजर्ट इज स्क्रेच्ड फ्रॉम रन ऑफ कंच टू हरियाणा. That means गुजरात से हरियाणा तक जो थार डेजर्ट है फैला हुआ है. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लैंड ऑफ द थार डेजर्ट और वेस्टर्न डेजर्ट. अब लैंड कैसा है वहां का? द थार डेजर्ट इज कवर्ड विद अ थिक शीट ऑफ लूज सैंड. जो थार डेजर्ट है, इट इज कवर्ड विद थिक शीट ऑफ लूज सैंड. That means जो थार डेजर्ट है पूरा रेत से घिरा हुआ है. एक थिक शीट है थार डेजर्ट के ऊपर जहां पर रेत ही रेत है. एट सम प्लेसेस देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. और कई कई जगह पे, डेजर्ट की कई जगह पे, देयर आर स्मॉल हिल्स, कुछ कुछ छोटी हिल्स हैं, छोटी पहाड़ी जैसी हैं. हिल्स ऑफ सैंड काई की है, सैंड की पहाड़ी है. हिल्स ऑफ सैंड दैट आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स मतलब सैंड की टीले हैं छोटे छोटे, दैट आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. समटाइम स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो हियर कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद देम. कई बार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं विच ब्लोज हियर कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद देम. और जब बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं तो अपने साथ बहुत सारी रेत उड़ा के लेकर आती हैं. The Thar Desert is covered with a thick sheet of loose sand. जो Thar Desert है ये covered है, thick sheet है इसके ऊपर loose sand की. Sand है पूरी सब जगह, रेत ही रेत. At some places there are small hill of sand called sand dunes. और कई जगह पे छोटे छोटे hills बने हुए हैं, sand के टीले बने हुए हैं. That hill of sand are called sand dunes. इन छोटे छोटे टीले, रेत के टीलों को sand dunes कहते हैं. Sometimes strong winds which blow here carry a large amount of sand with them. कई बार यहाँ पे बहुत strong wind चलती है और तेज हवाएं अपने साथ बहुत सारी रेत उड़ाकर ले आती हैं. They can. Okay, here one fact wise is this beta. Sand dunes are also found on Mars. You know, वी ऑल लिव इन अर्थ प्लैनेट. ऐसे ही एक प्लैनेट और होता है, उसका नाम है मार्स. मार्स पर भी सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं. सैंड ड्यून्स मीन रेत के टीले. विंड कैन शिफ्ट दीज सैंड ड्यून्स लाइक वंस फाउंड इन अर्थ डेजर्ट. जिस तरह हमारे अर्थ के डेजर्ट पे, हम सब अर्थ पे रहते हैं और हमारे इधर जो डेजर्ट है वहां पर भी
सैंड ड्यून जब तेज हवा से एक टीला यहाँ बन जाता है, कभी वहां शिफ्ट हो जाता है हवाओं से, कभी इधर शिफ्ट हो जाएगा, कभी उधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसी जैसी हवा चलेगी, जितनी तेज हवा चलेगी, वो वहां शिफ्ट हो जाता है। दैट मीन्स जिस तरह हमारे प्लैनेट पर सैंड ड्यून्स हैं, उसी तरह मार्स पर भी सैंड ड्यून्स होते हैं। दे कैन शिफ्ट द सैंड ड्यून्स, जब बहुत तेज हवा चलती है तो सैंड ड्यून्स शिफ्ट हो जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू स्ट्रीम्स इन थार डेजर्ट, थार डेजर्ट में बहुत कम धाराएं हैं, बहुत कम स्ट्रीम्स हैं। दे मोस्टली रिमेन्स ड्राई, और ये जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ये हमेशा ड्राई रहती है, सूखी रहती है। लूनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इन डेजर्ट एरिया, इस डेजर्ट में लूनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है। एट सम प्लेसेस ओएसिस आर फाउंड, कुछ कुछ प्लेसेस पे ओएसिस भी है। द लैंड अराउंड एन ओएसिस इज फर्टाइल, जो ओएसिस के पास जो लैंड एरिया है वो बहुत ही फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। पीपल ग्रो क्रॉप्स हियर, यहाँ पर लोग फसलें उगाते हैं। मोस्ट विलेजर्स आर सिचुएटेड अराउंड एन ओएसिस, और कई सारे गांव वाले यही ओएसिस के आसपास रहते हैं। देयर आर वेरी फ्यू स्ट्रीम्स इन द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट में बहुत कम स्ट्रीम्स होती हैं। दे मोस्टली रिमेन ड्राई, ये स्ट्रीम्स बहुत काफी टाइम तक मोस्टली ड्राई ही रहती है। लूनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर, लूनी यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। एट सम प्लेसेस ओएसिस आर फाउंड, कई जगह पे डेजर्ट में ओएसिस भी मिलते हैं। द लैंड अराउंड एन ओएसिस इज फर्टाइल, जो एरिया ओएसिस के पास होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है। पीपल ग्रो क्रॉप्स हियर, इसलिए लोग पानी की वजह से वहां पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, खेती करते हैं। मोस्ट विलेजर्स आर सिचुएटेड अराउंड एन ओएसिस, और कई सारे गांव वाले उसी ओएसिस के पास, पानी के पास आके रहते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट्स, इट इज अ पिक्चर ऑफ ओएसिस, ए लश ग्रीन एरिया सराउंडिंग अ वॉटर सोर्स इन अ डेजर्ट इज कॉल्ड एन ओएसिस। एक जमीन के नीचे अपने आप जो पानी निकल आता है उसको ओएसिस बोलते हैं। गांव वाले इसी ओएसिस के आसपास रहते हैं और यहीं पर खेती करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ थार डेजर्ट। द थार डेजर्ट रिमेन्स हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर, जो थार डेजर्ट का क्लाइमेट है पूरे टाइम हॉट रहता है, गर्म, और ड्राई सूखा रहता है पूरे साल। देयर इज वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, यहाँ पे ना के बराबर बारिश होती है, बारिश होती ही नहीं है। इन समर डेज, गर्मियों में, डेज आर वेरी हॉट, बहुत दिन बहुत ही गर्म होते हैं। एंड नाइट्स आर कूल, और रातें बहुत ही ठंडी हो जाती है गर्मियों में। एंड इन विंटर, सर्दियों में, डेज आर वार्म, दिन बहुत गर्म होते हैं। एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और रातें बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। नाउ नेचुरल वेजिटेशन इन वेस्टर्न डेजर्ट, लेट अस टॉक अबाउट दैट। ए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट मींस दैट मोस्टली स्कैटर्ड बशेस एंड थॉर्नी शर्ब्स ग्रो, यहाँ का क्लाइमेट हॉट है और ड्राई है, इसी वजह से यहाँ पे कई सारे बशेस, झाड़ियाँ, थॉर्नी शर्ब्स, जो नुकीली झाड़ियां रहते हैं, नुकीली शब्स, नुकीली पेड़ पौधे हो गए आते हैं। द खेजड़ी, कीकर एंड बबूल ट्रीज आर ग्रो इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के ईस्टर्न पार्ट में खेजड़ी, कीकर, बबूल टाइप के पेड़ अपने आप ग्रो हो जाते हैं। इट इज फाउंड ओनली इन डेजर्ट एरिया, विच वन, खेजड़ी, कीकर, बबूल, दिस टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड ओनली इन डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में पाई जाती है खेजड़ी, कीकर, बबूल, इनमें कांटेदार रहते हैं ये पेड़। एनिमल्स सच एज कैमल्स, ब्लैक बक्स, चिंकारास एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर फाउंड इन दिस रीजन, दैट मीन्स इस रीजन में इस तरह के जानवर पाए जाते हैं, कैसे, कैमल्स, ब्लैक बक्स, चिंकारास, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर फाउंड इन दिस रीजन, इस रीजन में पाए जाते हैं। द कैमल इज मोस्ट यूजफुल एनिमल, इस जगह पर रेगिस्तान में, रेगिस्तान, कैमल इज मोस्ट यूजफुल एनिमल, कैमल रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में बहुत ही यूजफुल एनिमल है। नाउ स्टूडेंट, इट इज अ पिक्चर ऑफ खेजरी, कीकर, बबूल, दीज प्लांट्स आर फाउंड इन ओनली डेजर्ट एरिया।
It is a picture of camel. It is most useful in desert area, beta. Then blackbuck. It is a picture of blackbuck. It is also found in desert. Chinkaras. It is also a type of animal and it is found in desert area. Then great Indian bustard. Great Indian bustard ये भी एक type का जानवर है, एक type का पक्षी है. It is also found in desert area, बेटा. Now let us talk about water supply. अब water supply कैसे होती है? There is always very little water. हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि desert area में बहुत कम पानी है. Village women walk a long distance to fetch water. जो गांव की औरतें होती है desert area की, बहुत कई दूर तक चली जाती है पानी लेने. द स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड इरीगेशन. वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है डेजर्ट एरिया का, राजस्थान एरिया का जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो ट्राई कर रहा है वाटर प्रोवाइड करने के लिए फॉर डोमेस्टिक यूज, गांव के लोगों के डोमेस्टिक घर के कामों के लिए, एंड फॉर इरीगेशन, दोनों चीजों के लिए पानी प्रोवाइड करने के लिए वो ट्राई कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट. वाटर फ्रॉम रिवर सतलुज हैज बीन ब्रॉड टू द डेजर्ट थ्रू द इंदिरा गांधी कैनल. वाटर फ्रॉम द रिवर सतलुज, वहां पर एक रिवर सतलुज है, ओके, हैज बीन ब्रॉड टू द डेजर्ट थ्रू द इंदिरा गांधी कैनल. उसी को इंदिरा गांधी कैनल, वहां पर एक डैम बना दिया है. फार्मर कैन दस ग्रो वीट, मस्टर्ड एंड कॉटन. और लोग क्या करते हैं वहां के लोग, मस्टर्ड सरसों, वीट गेहूं, कॉटन कपास, ये सब उगाते हैं. देयर इज ऑलवेज वेरी लिटिल वाटर इन डेजर्ट एरिया, ऑलरेडी आई टोल्ड यू. विलेज वुमेन वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर. जो विलेज वुमेन होती है वो कई दूर से ही पानी लेकर आती है क्योंकि पानी है नहीं. द स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन टू यूज एंड डोमेस्टिक यूज एंड इरीगेशन. जो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है डोमेस्टिक यूज और इरीगेशन के लिए गांव वालों को पानी प्रोवाइड कराने के लिए. वाटर फ्रॉम रिवर सतलुज हैज बीन ब्रॉट टू द डेजर्ट थ्रू द इंदिरा गांधी कैनल. इसी डेजर्ट एरिया में एक कैनल बनाई है, इंदिरा गांधी कैनल, सतलुज रिवर पे. और इधर से जो पानी रहता है वो सब कुछ पानी फार्मर्स वाले को प्रोवाइड किया जाता है. फार्मर कैन दस ग्रो वीट, मस्टर्ड एंड कॉटन. और फिर फार्मर ग्रो करता है वीट, मस्टर्ड एंड कॉटन. दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स दे ग्रो इन डेजर्ट एरिया. नाउ दिस मच यू अंडरस्टूड दैट बेटा. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.